शायदा ने कहा, रात 2 बजे। वो कोई और भी तो हो सकता है, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि वो नवीद ही था? यकीन तो हमें भी नहीं था, लेकिन सुबह फिरोज ने कुएं के पास नवीद के शनाख्ती कार्ड पड़ा देखा था और फौरन शहर उसकी खैर खबर के लिए रब्ता किया, तो नवीद ने खुद इकरार किया कि वो रात कुएं पर गया था। ओह अच्छा, अर्शी ने सोचते हुए कहा। अब तुम तो जानती हो अर्शी कि पुराने कुएं के करीब तो रात को कुत्ते भी नहीं जाते, क्योंकि वहां जिन भूत घूमते फिरते हैं। और नवीद हकीकत जानते हुए भी अभी शायदा बोल ही रही थी कि उसकी माँ ने आवाज दी, शायदा जरा इधर आना, और शायदा मैं अभी आती हूँ कहकर चली गई। जबकि अर्शी कुछ सोचने लगी। अच्छा तो ये मसला है, शायदा ने खुद से कहा और साथ ही काम कर रह गई, क्योंकि पुराने कुएं का ख्याल आते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुराना कुआं गांव के एक तरफ वाकया था, जिसके किनारे पर बरगद का एक पुराना दरख्त खड़ा था। हिंदुओं के जमाने में यहां औरतें आकर पूजा पाठ करती थीं और अपने हीरे जवाहरात कुएं की अमीक गहराई में फेंक देती। वो दरख्त को अपना भगवान मानती और शुक्राने के तौर पर अपने जेवरात कुएं में फेंक देती। जब यहाँ मुसलमान आए तो उन्होंने कुएं की गहराई में सोना तलाश किया, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर उन्हें सोने की कोई चीज न मिली। कुएं के खत्म करके यहाँ आबादी करने के बारे में सोचा गया। इस मकसद के लिए एक जमींदार ने पहले बरगद के दरख्त को काटने के लिए मजदूर वगैरह बुलाए, लेकिन जैसे ही आरा दरख्त के तने पर चलता वहां से खून निकल आता, जिसे देखकर मजदूर डर गए और दरख्त काटने से इनकारी हो गए। कुएं को बंद करने के लिए उसे मिट्टी से भर दिया गया, लेकिन दूसरे दिन कुएं में मिट्टी के बजाय जहरीले कीड़े भरे हुए मिले, जो आनन फानन रींगते हुए करीबी आबादी में घुस गए और हर घर में इतनी बीमारियां फैली कि आए दिन कोई ना कोई मरने लगा। ये सूरत हाल देख कर जमींदार ने कुएं और दरख्त को इसी हालत में रहने दिया। उसके बाद उस जगह को पुरेसरार और आसेब ज्यादा समझा जाने लगा। वहां रात को कई दफा गांव के लोगों ने अजीबुल खलकत मखलूक देखी थी। गांव का कोई कुत्ता भी अगर रात को कुएं के किनारे सोता तो सुबह मुर्दा मिलता था, इसलिए कुएं की दहशत मजीद बढ़ गई थी। वहां से अक्सर औरतों के हंसने की आवाजें सुनाई देती थी। गर्ज वो जगह भारी समझी जाने लगी और लोगों ने वहां शाम के बाद जाना तर्क कर दिया। न जाने किन वजूहात की बिना पर नवीद कुएं पर रात के 2 बजे अकेला चला गया। कुएं से सब खौफ खाते थे, सिवाय माई बख्तों के, जो कुएं से पूरे 20 गज दूर गांव की गली में सफेद चादर जमीन पर डाले रहती थी। एक तकिया, एक तस्बीह और एक जाय नमाज ही उसकी कुल कायनात थी। लोग उसे खुदा तरसी में खाने के लिए कुछ न कुछ दे देते। माई बख्तू के गिर्द सारा दिन लोगों का जम्मे गफीर रहता था। उनके हाथ में खुदा ने इतनी शफा दे रखी थी कि वो जिसको भी दुआ दे देती वो खुशहाल हो जाता और हर किस्म की बीमारी और तंगी खत्म हो जाती। अर्शी माई बख्तू की दिल से इज्जत करती थी। अर्शी ने होश संभालते ही माई बख्तू की वहीं अपनी मखसूस जगह पर बैठे देखा। माई बख्तू दुबली पतली उधेड़ औरत थी। उनके चेहरे से हमेशा नूर टपकता था। वो सारा दिन तस्बीह हाथ में लिए कुएं को घूरे जाती। अगर कोई उसके सामने आकर खड़ा हो जाता तो वो फौरन हाथ के इशारे से उसे सामने से हटा देती थी और दोबारा कुएं पर नजर गाड़ देती। लोगों को यकीन हो चला था कि माई बख्तू का कोई ताल्लुक इस कुएं से जरूर है, कि वो रात को भी वहां जाने से नहीं घबराती। आज अर्शी ने वापस शहर जाना था। जब गाड़ी माई बख्तू के ठिकाने के सामने से गुजरने लगी तो अर्शी ने फौरन गाड़ी को रुकवाई और गाड़ी रुकते ही नीचे उतरी और माई बख्तू के करीब जाकर दो जानू बैठ गई। उसने माई बख्तू के साथ घुटने पकड़ लिए। माई बख्तू, जो अर्शी की आमद से कतई बेखबर कुएं को देखने में महव थी, तस्बीह के दाने तेजी से फेरने लगी। अम्मा खुदा के लिए मेरी मदद करो, खुदा के लिए अम्मा मेरा नवीद, बस, माई बख्तू की गर्जदार आवाज फिजा में गूंजी। उनके हाथ रुक गए। उसने आंखों का जाविया बदला और अर्शी की आंखों को बगौर देखते हुए कहा, तेरी आंखों में मोहब्बत नहीं, प्यार नहीं, बल्कि इश्क है। वो तो इससे तेरा इश्क नहीं छीन सकती, जा, खुदा तेरी मदद करेगा, और सुन, बार कभी मत मानना, और सुन, हार कभी मत मानना, हिम्मत कभी मत हारना, जा, मेरी दुआ तेरे साथ है,
माई ने अर्शी के सर पर हाथ फेरा और दोबारा कुएं पर नजरें गाड़कर अर्शी से लातालुक हो गई। अर्शी ने भीगी आंखें पूंछी और दोबारा गाड़ी में आकर बैठ गई, जहां उसके वालदैन बेचैनी से उसका इंतजार कर रहे थे। गांव से आए उन्हें 5 दिन ही हुए थे कि अर्शी का दिल पढ़ाई से अचाट हो गया। वो यूनिवर्सिटी सिर्फ नवीद को देखने जाती थी, नवीद ने खुद भी पढ़ाई छोड़ दी थी। अब वो शाज़ो नादर ही यूनिवर्सिटी में नजर आता था। अर्शी ने कुछ ही दिनों बाद यूनिवर्सिटी जाना बिल्कुल तर्क कर दिया। वो सारा सारा दिन कमरे में घुसकर खुदा से इल्तिजाएं और दुआएं करती रहती। उसके कमरे में ज़रूरत की अशिया के अलावा कुरान शरीफ, जाय नमाज और तस्बीह ज़रूर मौजूद रहती थी। अर्शी ने अपने कमरे से टीवी, वीसीआर और टेप रिकॉर्डर निकाल बाहर किए और कमरा इंतहाई सादगी से सजाया। उसने अपनी एक अलग थलग दुनिया बसा ली, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ नवीद का हसूल था। उसकी सच्ची लगन और मेहनत रंग लाई और ऊपर वाले को उसकी इबादत और उसका बेलौस इश्क पसंद आया और उसे ताकीदी ख्वाब नज़र आने लगे, जिसमें बाकायदा उसे सबक पढ़ाया जाने लगा। वो सोते में जो सबक पढ़ती, सुबह उठकर कुरान शरीफ से वही सबक पूरी तवज्जो से बामैनी याद कर लेती। इस तरह करते करते उसने तकरीबन पूरा कुरान हिफ्ज कर दिया। उसे इस दुनिया की कोई खबर न थी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस दुनिया में क्या तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। हाँ, अलबत्ता उसे नवीद की पूरी खबर थी कि वो कैसा है, कहाँ है और किस हाल में है। उसे नवीद की परेशानी के बारे में इल्म हो चुका था और अब वो इस परेशानी को दूर करने का सदेबाप कर रही थी। अर्शी को उसके मकसद से बाज रखने के लिए कई अनदेखी ताकतों ने उसे नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की, लेकिन अर्शी एक मजबूत चट्टान बन चुकी थी, जिसके सीने में कुरान पाक मुनव्वर था और जिसकी रोशनी के आगे कोई ज़ाहरी और गैबी बला टिक नहीं सकती। दूसरी बड़ी वजह माई मखदू की दुआ थी, जिसके तफैल वो हमेशा साबित कदम रही। अर्शी की हालत देखकर वाकई इश्क की सच्चाई का यकीन हो जाता था। वो अर्शी जिसने दुनिया छोड़ दी, तालीम छोड़ दी, अपनों को छोड़ दिया, बस सिर्फ अपने खुदा से लौ लगा ली और अपनी ख्वाहिश के पूरा होने की दुआएं करने लगी। अर्शी जान चुकी थी कि उसका मुकाबला किसी इंसान से नहीं है। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।